रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े मामले में लालू यादव समेत सभी 16 दोषियों को सजा सुना दी है। लालू यादव को 3.5 साल जेल की सजा और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं बेक जूलियस, महेश प्रसाद, फूलचंद सिंह, आर के राणा, राजा राम जोशी, सुबीर भट्टाचार्य, सुशील कुमार झा, सुनील कुमार सिन्हा को भी 3.5 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं गोपीनाथ झा, जगदीश शर्मा, ज्योति कुमार झा, संजय कुमार अग्रवाल, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, सुनील गांधी और कृष्ण कुमार को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। कृष्ण कुमार पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें, चारा घोटाले में ये सजा देवघर कोषागार से अवैध तरीके से 89 लाख रुपए निकालने के मामले में सुनाई गई है। चारा घोटाले में कुल 5 मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक चाईबासा कोषागार से 37.5 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में 2013 में ही सजा सुना दी गई थी। लालू प्रसाद यादव को इसमें 5 साल की सजा हुई थी और 25 लाख का जुर्माना लगा था। चारा घोटाले का ये दूसरा मामला है देवघर कोषागार का, जहां से 89 लाख रुपए की अवैध निकासी हुई थी। आज उस मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। भाई, निश्चित रूप से जो भी न्यायालय ने निर्णय लिया है वो एक सही कदम है और इसलिए न्यायालय के निर्णय का पूरी दुनिया स्वागत कर रही है। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के लिए सबक सिखाने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि जो सजा जो उन्होंने किया है अपने करनी का उनको भरनी करना पड़ रहा है। हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। ये बिहार की राजनीति में एक दूरगामी फैसला होगा। राष्ट्रीय जनता दल को इकट्ठा रखना अब मुश्किल होगा और राजनीति में लगे लोगों पर भय का अंकुश भी लगेगा इस फैसले के बाद। एक संदेश है कि कोई भी अगर देश का खजाना लूटेगा, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, तो कानून सबके लिए बराबर है। कानून ने अपना काम किया है और इस पर लालू यादव जी को सजा हुई है। पहले भी उनको सजा हुई थी, लोकसभा के चुनाव से पहले, और अभी एक और केस में उनको सजा हुई है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी निश्चित रूप से बरी होंगे। कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसके खिलाफ हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे और उसमें निश्चित रूप से हमारे नेता बरी होंगे, ये मेरा विश्वास है।